डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपको पता है यदि आप फॉलो कर रहे हैं, और यदि नहीं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहुंच चुके हैं एक ऐसे चैनल पे जो आपके साथ रहने वाला है कई वर्षों तक, पॉलिटिकल साइंस के थ्रू नॉलेज को पाने और एक उस जर्नी पे चलने जहां पे ये खुशी मिलती है, एक कम्युनिटी का पार्ट बन के सीखने को मिलता है। ये वीडियो जो है वो उन स्टूडेंट के लिए है जो CUET UG अगस्त में टेकअप कर रहे हैं। ये एक सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने लगभग आधे से अधिक जो है सिलेबस क्लास 12 का पॉल साइंस का कवर किया था। ये एक प्रयास है जहाँ पे कि हर चैप्टर वाइज मैक्सिमम जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन CUET UG को मैच करते हुए हो सकते हैं, उसको बनाने की, उसको एक्सप्लेन करने की, समझाने की, उसके थ्रू उस चैप्टर को समझने की। आज उस क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं रीजनल एस्पिरेशन। यदि आपने जुलाई में एग्जाम लिया है तो सॉरी, हम इसको कवर नहीं कर पाए, और यदि आपने अगस्त में एग्जाम लेनी है तो आपको ये वीडियो बहुत फायदा करेगा। सो लेट अस बिगिन CUET UG पॉलिटिकल साइंस थीम वाइज MCQ रीजनल एस्पिरेशन। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, सिलेबस को थोड़ा देख लीजिए। देखिए, NTA ने जो सिलेबस दिया है वो थोड़ा सा NCERT चैप्टर को उन्होंने हल्का फुल्का रीअरेंज किया है। जैसे कि ये रीजनल एस्पिरेशन में आप राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशन, तो ये रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स जो चैप्टर 9 का है उससे भी उन्होंने कुछ लिया है। देन पंजाब क्राइसिस एंड एंटी सिख राइट की जिक्र करते हैं 1984 का, और कश्मीर की जो सिचुएशन है उस पर आपको पढ़ाई करनी है। सब NCERT से ही है लगभग, थोड़ी बहुत उन्होंने वर्ड चेंज किए हैं। चैलेंजेज एंड रिस्पॉन्सेज नॉर्थ ईस्ट में जो है वो, तो बेसिकली तीन जो प्रॉब्लम है, थ्री प्रॉब्लम, कश्मीर, पंजाब एंड नॉर्थ ईस्ट, इसको जो है आपको देखने हैं और ये भी समझनी है कि रीजनल एस्पिरेशंस क्या होते हैं, और राइज ऑफ रीजनल पार्टीज भी आपको इसमें देखनी है रीजनलिज्म। अब आइए क्वेश्चन आंसर का करते हैं दौर शुरू। पहला क्वेश्चन ये समझने के लिए मैंने बनाया, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के दौर से पहले मैं अपने स्टूडेंट आशुतोष का थैंक्स करना चाहता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो बेसिकली जो कंपाइल किया है क्वेश्चन, वो मेरे स्टूडेंट जो UGC नेट और PG एंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं, इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट मिस्टर आशुतोष, उन्होंने किया है। ऑफकोर्स मैंने इसको मॉडरेट किया है, कई चीज़ों को चेंज किया और कुछ क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है। उसमें से ये जो है क्वेश्चन है जो मैं आपको इंक्लूड कर रहा हूँ। विच ऑफ दिस इज नॉट करेक्ट? देखिए स्टूडेंट, पहले सबसे पहले यदि इस चैप्टर को समझने के लिए आप समझिए, इस क्वेश्चन को भी छोड़ दीजिए, रीजनलिज्म क्या होती है और ये कैसे जो है कास्टिज्म या कम्युनलिज्म से अलग है। ये इज्म कोई भी जो होती है वो एक पर्टिकुलर थॉट को जो आप मानते हैं तो वो इज्म होती है। रीजनलिज्म का मतलब ये होती है कि आप रीजनल आइडेंटिटी को तवज्जो देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे आप कहते हैं कि हम तमिल हैं, हम तेलुगु हैं, हम केरला के हैं या मलयाली हैं, या आप कहते हैं हम हिंदी भाषी हैं, हम उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, हम झारखंड के हैं, ये यदि आप कहते हैं तो आप रीजनलिज्म को उभार रहे हैं, आप अपनी रीजनल आइडेंटिटी को उभार रहे हैं। कई बार रीजन और स्टेट अलग अलग होते हैं, आप इस चीज को समझिए। ये हरियाणवी होना एक अलग है, एक छोटा सा स्टेट की बात हम कर रहे हैं, और वही नॉर्थ इंडियन होना एक अलग है, पंजाबी होना एक अलग है, झारखंडी होना या ट्राइबल होना अलग है। जब आप कहते हैं कि हम ट्राइबल क्षेत्र से आते हैं तो उसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, काफ़ी सारे पार्ट आ जाते हैं। कोई स्टेट, एक ही रीजन में बहुत सारे स्टेट भी हो सकते हैं। जब आप कहते हैं हम साउथ इंडियन हैं तो आप कई स्टेट की बात करते हैं। अब यहाँ पर दूसरी समझिए कि डेमोक्रेसी में रीजनलिज्म को बुरा नहीं माना जाता है, जिस तरह से कास्टिज्म को बुरा माना जाता है, कम्युनलिज्म को बुरा माना जाता है, उस तरह से रीजनलिज्म को बुरा नहीं माना जाता। क्योंकि डेमोक्रेसी ये कहता ही है कि सभी रीजन जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन है वो मिल करके एक साथ जो है गवर्नेंस कर सकते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो सकती है। रीजनल आइडेंटिटी जो है वो नेशनल आइडेंटिटी को नहीं काटता है, दोनों एक साथ चल सकते हैं। इस चीज को समझिए आप। Which of this is not correct? उसी पे एक question based है। In democratic politics, regional aspiration divide nation. No, ऐसा नहीं है। They don't divide nation. Of course, एक limit के बाद वो divide कर सकता है। जैसे आप खालिस्तानी movement की बात कर लें, तो जब आप अलग state ही बनाने की बात करते हैं, secessionist movement जिसको हम बोलते हैं, कश्मीर में भी वो हुआ, तब जो है वो nation को divide करने की बात करता है। लेकिन जो democratic politics में regional aspiration होना और रीजनलिज्म
नॉर्मली जब तक कि आप ये माने कि हम एक भारत के या किसी भी कंट्री के अभिन्न अंग है और उसमें ही हमको स्वायत्तता चाहिए, थोड़ी हमको डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, पावर चाहिए और हमारी बात कोई सुने, सेंटर सुने, यहां तक जो है डेमोक्रेसी में उसको बर्दाश्त किया जाता है। इसलिए यही जो है गलत है। डेमोक्रेसी अलाउज द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रीजनल एस्पिरेशन एंड डज नॉट लुक अपॉन देम एज एंटी नेशनल। ये बिल्कुल मैंने आपके एनसीईआरटी बुक से लिया है, इस चीज को समझिए। डेमोक्रेसी अलाउ करती है कि आप पॉलिटिकली अपने डिमांड को एक्सप्रेस कीजिए कि हमारे रीजन को क्या चाहिए और अकोमोडेट करेगी जो जो नेशन है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अलाउ पार्टीज एंड ग्रुप्स टू एड्रेस द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द रीजनल आइडेंटिटी। ये भी होती है, जो रीजनल आइडेंटिटी है उसके बेसिस पे लोग वोट मांग सकते हैं। वो कह सकते हैं कि हम तेलुगु प्राइड के नाम पे वोट दो, तमिल हैं उसके नाम पे वोट दो, मतलब उस आइडेंटिटी को लोग उभार सकते हैं और ये कोई अनडेमोक्रेटिक नहीं माना जाता है। इन द कोर्स ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स रीजनल एस्पिरेशन गेट स्ट्रेंथ है। इसीलिए होता क्या है कि जब आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स खेलोगे तो आपका रीजनल एस्पिरेशन और ज्यादा गाढ़ा होगा, क्योंकि बहुत सारे पार्टी उसको उठाएंगे। आपने देखा तेलुगु देशम पार्टी केवल वो रीजनल प्राइड के नाम पे बनी, डीके जो है द्रविड कजगम वो बनी, डीएमके और सब उसी के ऑफशूट हैं। तो बहुत सारे अहम गौन परिषद वो असमिया प्राइड पे बनी। तो बहुत सारे पार्टी जैसे होते हैं जो कि लोकल रीजनल आइडेंटिटी को उभारते हैं और उसी बेसिस पे जो है वो पॉलिटिक्स करते हैं। इसलिए जितनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होगी उतना ही रीजनल जो एस्पिरेशन है और रीजनल जो जो आइडेंटिटी है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। बस एक थिन लाइन है कि कहाँ पे जो है वो सेसेशनिस्ट ना हो जाए, कहाँ पे वो सेपरेट ना मांगने लगे, वहां तक जो है उसको बर्दाश्त किया जा सकता है। अब आइए बहुत सारे आशुतोष ने जो क्वेश्चन जुटाए हैं उसको भी चर्चा करेंगे और बाद में एनसीईआरटी के भी देखेंगे, कहीं कहीं पे मैंने इसको मॉडरेट भी किया है। बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है इसमें और डियर स्टूडेंट आई एम सॉरी कि इतने सारे फैक्ट आपको क्रैम करने पड़ते हैं, ये रोट लर्निंग है, लेकिन यस अब यही हमारी व्यवस्था है इसलिए बहुत सारे फैक्ट हैं इसमें। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड जम्मू एंड कश्मीर विद स्पेशल स्टेटस। बहुत सारे क्वेश्चन कश्मीर पे हैं। आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर जब इंडिया में शामिल हुआ था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था उनके महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947, चलिए उस डेट को, तो वो एक स्पेशल आर्टिकल के तहत किया था कि आपको बहुत सारे इसमें कंसेशन मिलेंगे, आप एक स्पेशल ट्रीट होगी। तो वो आर्टिकल था 370, जिसको 2019 में जो है इसको हटा दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटा दिया। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, लेकिन अभी ये बना हुआ है, ये आर्टिकल नहीं है। इसके अलावा 35 को भी जो है हटाया गया। विच कम्युनिटी फेस्ड वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन जेएनके। तो जेएनके में आपको पता है अभी कश्मीरी फाइल का नाम आपने सुना होगा, कश्मीरी पंडितों का पलायन आपने 90s में सुना होगा, अभी उनकी हत्याओं के बारे में भी सुना होगा। तो एक कम्युनिटी जो है उसने बहुत फेस किया है वायलेंस, क्योंकि वो वहाँ बहुत माइनॉरिटी में वैली में हो गए, वहाँ मेजोरिटी में मुस्लिम है, अनलाइक इंडिया जहाँ की मुस्लिम माइनॉरिटी में है, और हिंदू जो है जो कश्मीरी पंडित होते हैं जनरली वो लोग ब्राह्मीन है, वो वहाँ पे बहुत माइनॉरिटी में आ गए और उनको झेलना पड़ा वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो कश्मीरी पंडित वो इधर उधर बेचारे विस्थापित जैसे जीवन जी रहे हैं। जेएनके यूनियन टेरिटरी, अब देखिए क्या हुआ, 2019 में जम्मू कश्मीर एक राज्य होता था, उस जम्मू कश्मीर राज्य का तीन पार्ट था, आप ऐसे समझिए, एक जम्मू जो कि हिंदू बहुल था, एक कश्मीर वैली जो मुस्लिम बहुल था, वैली वैली मतलब कि दो नदी होती है उसके बीच का, जो पहाड़ों के बीच में जब नदी बहती है ना तो उसके बीच में जो समतल जमीन होता है उसको वैली बोलते हैं, बाकी चारों तरफ पहाड़ और बीच में उसी में लोग बसते हैं। तो कश्मीर वैली और लद्दाख, लद्दाख जो है एकदम पहाड़ से भरा हुआ पहाड़ी सूखा क्षेत्र है, सूखा पहाड़। तो ये तीन जो है जम्मू कश्मीर स्टेट के पार्ट होते थे। जब 2019 में इसको रीऑर्गेनाइज किया गया एक एक्ट के थ्रू, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, तो इसको दो यूनियन टेरिटरी बदल दिया गया। अब जम्मू एंड कश्मीर जो है ये एक यूनियन टेरिटरी हो गए और लद्दाख जो है ये एक दूसरा यूनियन टेरिटरी हो गया। तो दो यूनियन टेरिटरी में बदल गया, एक स्टेट टूटा और दो यूनियन टेरिटरी में बदल गया। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जेएनके यूनियन टेरिटरी जो है, जेएनके यूनियन टेरिटरी ये वो किस किस एरिया को कंटेन करता है, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर, तो वन एंड टू। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो लद्दाख के बारे में है। लद्दाख पूछ रहा है आपको कि क्या ये यूनियन टेरिटरी है, स्टेट है या पार्ट ऑफ जेएनके यूनियन टेरिटरी। नो, ना तो ये जेएनके, आपने देखा अभी जेएनके यूटी का पार्ट नहीं है, ये स्टेट भी नहीं है,
ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशल कोई एडमिनिस्ट्रेट एरिया भी नहीं है, ये एक सेपरेट यूटी है। फिर से याद कर लीजिए कि एक स्टेट टूटा जेएंडके और दो यूनियन टेरिटरी बना, एक यूनियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर है, दूसरे में लद्दाख सेपरेट है, सो इट इज ए यूनियन टेरिटरी। और इस रिऑर्गनाइजेशन के बाद डियर स्टूडेंट इंडिया में 28 स्टेट हैं, इसको भी याद कर लीजिए, एंड 8 यूटी है। इसके पहले जब ये नहीं टूटा था तो 29 स्टेट होते थे और 6 यूटी होते थे, तो ये जो है दो यूटी बढ़ गया तो 8 यूटी हो गया और एक स्टेट घट गया, लाइक दिस। अब जेएनके स्टेट रीजन यूज टू कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग एरिया, अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज यहाँ पे, कि जेएनके स्टेट जब होता था तो उसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों होते थे, तीन पार्ट इसके थे। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट जेएनके रीजन, ये आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देता है। लाइक देखिए, इसको आप छोड़ दीजिए कि जेएनके प्रिंसली स्टेट जो था, जो आपको पता है 565 करीब रियासतें थी, उसमें से एक बहुत बड़ा जम्मू एंड कश्मीर होता था, उसके महाराजा हरि सिंह, पूरी जो पॉपुलेशन है वो अधिकतर मुस्लिम और मुस्लिम अधिकतर, जम्मू में तो हिंदू थे और लद्दाख में बुद्धिस्ट लोग काफी हैं, लेकिन जो कश्मीर वैली में जो है जनरली मुस्लिम होते थे, लेकिन उनका जो राजा था डोंगरा राजा, डोंगरा वंश के, वो हरि सिंह थे, तो हिंदू राजा मुस्लिम बहुल क्षेत्र में, ये भी ऐसा होता है, तो वो उन्होंने जो है इंडिया में शामिल होने का फैसला किया था 26 अक्टूबर 1947 को। तो ये वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान तो गलत है, इसलिए ये गलत है, तो ये तीनों को सिंपली आप पढ़ लीजिएगा, मैं अभी आपको छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। बेसिकली क्या है कि आप इसको कैसे देखना चाहिए, आपको वीडियो को कर देना चाहिए पॉज और फिर अपना गेस भी करना चाहिए, और जब मैं बोलता हूं कि इसको पढ़ करके आगे बढ़िए तो पढ़ लीजिए गौर से, याद कर लीजिए, नोट बना लीजिए, फिर आगे बढ़िए, तो ये सब सही है। जैसे कि कश्मीर रीजन मेनली कंप्राइजेज ऑफ कश्मीर वैली, इनहैबिटेड मोस्टली बाय कश्मीरी मुस्लिम एंड हिंदू सिख बुद्धिस्ट एंड अदर लाइक। Who was the last king of J&K princely state? अभी मैं बार बार तीन बार मैंने नाम ले लिया, महाराजा हरि सिंह वो लास्ट थे। Who led the popular movement in J&K against the king? अब जो किंग थे, मोनार्की जैसी थी, उसके अगेंस्ट में एक जो डेमोक्रेटिक वे में जो मूवमेंट होती थी उसको लीड करते थे शेख अब्दुल्ला, जो कि मुस्लिम थे, वो एक पॉपुलर लीडर थे। यूनियन नेशन, सॉरी ये यूनियन नेशन गलत लिखा है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको यूनाइटेड कर लीजिए, यूएन, इसको यूएन कहिए। यूएन ऑर्गेनाइजेशन विच इज इन इट्स रिजोल्यूशन डेटेड 21 अप्रैल 1948, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है 21 अप्रैल 1948, एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रिजोल्यूशन निकाला, रिजोल्यूशन मतलब एक डिसीजन होता है, उसमें उन्होंने तीन स्टेप बताया कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर के चलो इस तरह से सुलझाओ, वो कभी लागू हो नहीं पाया वो रिजोल्यूशन, तो उसके बारे में कह रहा है ये क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा जो है गलत है, मतलब कौन सा इनकरेक्ट है। तो आप देखिए, यूएनओ ऑर्डर्ड पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान टू वैकेट जेएनके एंड मर्जर विद इंडिया, नो ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा, वहां पाकिस्तान घुस आया था, आधे से अधिक, आधे के लगभग उन्होंने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बना लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उसको छुड़ा करके और मर्ज किया गया इंडिया में, तो ये सही है। विथड्रॉल ऑफ पाकिस्तान नेशनलिस्ट हु इंटर्ड जेएनके, ये हुआ, वो लोग को वहां से हटाया गया। प्रोग्रेसिव रिडक्शन ऑफ मिलिट्री बाय इंडिया, ये कहा गया कि वहां मिलिट्राइजेशन जो है कम कीजिए और वहां के लोगों को प्लेबिसाइड कराइए, मतलब फ्री जो है वहां पे वोट देने दीजिए कि लोग आजाद रहना चाहते हैं या इंडिया में मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, तो लेकिन वो कभी प्लेबिसाइड हुई नहीं। इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि वहां की सिचुएशन को इतना मडल्ड कर दिया गया, वहां इतनी टेररिज्म और सेसेशनिस्ट मूवमेंट हुए, पाकिस्तान का इतना दखल हुआ कि वहां पे जब तक नॉर्मल सिचुएशन नहीं होगी और वहां से जो हिंदुओं को भगा दिया गया तो वहां का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, ऐसे में जो है वो इम्पार्शियल मैनर में प्लेबिसाइट नहीं हो सकती है, इंडियन गवर्नमेंट इसलिए प्लेबिसाइट नहीं कराती है। इन विच ईयर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ट्राइबल इन्वेजन इन जेएनके टुक प्लेस, अब देखिए हुआ क्या, जब जम्मू कश्मीर की रियासत ने जब ये फैसला लिया कि हम आजाद रहेंगे, ना हम इंडिया में मिलेंगे ना पाकिस्तान मिलेंगे, महाराजा हरि सिंह ने जब ये कहा तो उस पर इंडिया ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी जो है अपनी सेना को जो है वो कबायलियों के भेष में भेज दिया, कबायली मतलब जो ट्राइबल उस इलाके के, और ये शो किया कि हम नहीं उस पर अटैक कर रहे हैं, ये तो लोग खुद ही घुस गए हैं, जबकि वो बेसिकली वो जैसे कि सादे भेस में पुलिस होते हैं ना, उस तरह से कबायली भेस में पाकिस्तानी आर्मी थे, और फिर घबरा करके महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, इंडियन आर्मी गई, लेकिन तब तक जो है आधा कश्मीर जो है वो ऑक्युपाई हो चुका था, वो आज भी आजाद कश्मीर कहलाता है।
या आजाद कश्मीर, और हम लोग उसको जो है पाक अकुपाइड कश्मीर कहते हैं, अलग अलग नाम है। अब वो अपने आजाद कश्मीर बोलते हैं, हम लोग उसको पाकिस्तान अकुपाइड कश्मीर पॉक बोलते हैं। तो ये कहने की बात है, आपको जो समझ में आया आप उसको कह सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वो पाक अकुपाइड कश्मीर है। तो ये जो है, ये सब चीजें कब हुई थी? ट्राइबल इन्वेजन जो है वो 1947 में हुआ था, उसी में इंडिया पाकिस्तान का पहला वॉर जैसा हो गया। इन विच वॉर पाकिस्तान अक्यूपाइड सम पार्ट ऑफ कश्मीर, जिसको हम बोलते हैं पॉक, पाकिस्तान अक्यूपाइड कश्मीर, और वहीं से हमारे यहाँ जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज भी चलते हैं। तो ये इंडो पाकिस्तानी वॉर जो 1947-48 का हुआ था, वहां से हुई थी। अब ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये याद रखेगा कि इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बाय विच जम्मू एंड कश्मीर रियासत जो है प्रिंसली स्टेट ज्वाइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया। लेकिन इनको एक स्पेशल जो है आर्टिकल के तहत जोड़ा गया था, आर्टिकल 370, इसमें बहुत सारे इनको कंसेशन थे जो किसी और स्टेट को नहीं थे, जैसे कि इनका अपना जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली होगा, और इंडिया का कंस्टिट्यूशन सीधे सीधे जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता था। कोई भी धारा सीधे सीधे लागू तब तक नहीं होगी जब तक कि उसका अपना कंस्टिट्यूएंट असेंबली उसको रेटिफाई न कर दे। यहाँ के जो सीएम होते थे उनको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर, जो 1965 तक ये नोमेनक्लेचर चला। बहुत सारे और फैसिलिटी, बाहर के लोग वहां पे जमीन नहीं खरीद सकते थे, लाइक दैट। Which of the following is incorrect about politics of Kashmir? अभी मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन मैं इसको टिक मार रहा हूँ। शेख अब्दुल्ला supported the merger with Pakistan being a Muslim nation. No, ऐसा कुछ नहीं था। शेख अब्दुल्ला एक सेकुलर लीडर थे और वो जनता की भलाई चाहते थे, और वो इंडिया के साथ में बहुत सॉफ्ट थे, इंडिया के नेहरू के दोस्त भी थे। तो ये सारी बातें हैं, वो एक तरह से पॉपुलर लीडर थे। अब ये जो चारों बातें हैं ये आपके एनसीईआरटी से लगभग दी गई हैं, लेकिन इसको बिना पढ़े आप डियर स्टूडेंट आगे मत पढ़िएगा, काफी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन भी मिलेगा, पढ़ लीजिए। नेशनल 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1965। देखिए अब ये सब पॉलिटिक्स आगे बढ़ रही है, जो कांग्रेस है वो मेडल करती रही, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मेडल मतलब कि वो फटी में टांग रहने टाइप की, वो जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स में घुस गई, वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ा, एक पार्ट को अपने मिला लिया, चीफ मिनिस्टर को हटाया। ये सारी चीजें जब सेंटर करता है, वो सोच के ये करता है कि जम्मू कश्मीर को हम अपने और ज्यादा करीब ले आएंगे, लेकिन उससे और जो है वो दूर हो जाते हैं। सो नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1965 मर्ज्ड विथ विच पार्टी एंड बिकेम इट्स स्टेट ब्रांच, वो टूट गई, जो वहाँ की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो शेख अब्दुल्ला की थी, जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी, वो टूट गई, और उसका मेजर पार्ट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो उस समय में 1965 में लाल बहादुर शास्त्री होंगे तो उसमें जाके मिल गई, और उसके जो है चीफ मिनिस्टर बने, तो अब कांग्रेस वहां शासन करने लगी। इन विच ईयर पोस्ट ऑफ पीएम वॉज रिप्लेस बाई सीएम, जैसे मैंने आपको बताया कि 1965 में जो है पीएम को जो है मतलब नाम चेंज कर देगा, पहले वह प्राइम मिनिस्टर जो है सदरे रियासत या इस टाइप का कुछ था तो उर्दू में, और उसको प्राइम मिनिस्टर कहते थे, तो प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर से कन्वर्ट किया गया। तो जैसे अन्य राज्य में चीफ मिनिस्टर कहते हैं, वैसे ही 1965 से वहां पे चीफ मिनिस्टर कहा जाने लगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु बिकेम द लास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जेएनके इन 1965 फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि वो सॉरी फर्स्ट नॉट लास्ट, तो ये गुलाम मोहम्मद सादिक जो है, बस याद करने की बात है, ये पहले जो है वो चीफ मिनिस्टर बने, उसके पहले तो सब लोग प्राइम मिनिस्टर होते थे। इन विच ईयर पैक्ट बिटवीन इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला, एक इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच में एक टाइप का एग्रीमेंट हुआ जिसमें उनको जेल से बाहर किया गया और फिर से वो पॉलिटिक्स में आ गए, तो ये जो है 1975 में ये हुआ था। ये सब जस्ट डेट वेट है, ये सब याद कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कश्मीर पाकिस्तान इलीगली गिफ्टेड गेव टू चाइना, तो पाकिस्तान और चाइना में एक एग्रीमेंट 1963 में हुई, और उसमें उन्होंने जो हम लोगों का एरिया कुछ खाया था उसमें से सैक्स गैम वैली जो है उन्होंने दे दिया चाइना को, जो जिंगजियांग प्रोविंस का उनका पार्ट बन गया। तो मतलब ये बहुत ही दुखद पार्ट है कि वो हम लोगों से पहले ले और फिर चाइना को गिफ्ट में दे दे, इंडिया अभी भी इस पे अपना दावा ठोकता है। वन ऑफ द फर्स्ट रीजनल मूवमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, जो सबसे पहला जो रीजनल मूवमेंट जो इंडियन पॉलिटिक्स में हुआ ना, वो कश्मीर नहीं था, पंजाब नहीं था, नॉर्थ ईस्ट नहीं था, वो बेसिकली धुर साउथ में हुआ, तमिल में हुआ, द्रविडियन मूवमेंट उसको कहते थे। तो द्रविडियन मूवमेंट पहला जो है रीजनल मूवमेंट था जो 1920s-30s में शुरू हुआ। अब उससे ही कुछ क्वेश्चन और है, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉज सेटअप बाई पेरियार, पेरियार का पूरा नाम तो ईवी रामास्वामी नायकर
कहते हैं, लेकिन उनको प्यार से जो है और इज्जत देते हुए पेरियार कहा जाता है। वो एक तरह के साउथ के जो हैं वो गांधी जैसे कह सकते हैं या अंबेडकर जैसे कह सकते हैं, वो साउथ में है एज पार्ट ऑफ द द्रविडियन मूवमेंट। तो ई वी रामास्वामी नायकर ने जो है उन्होंने एक पार्टी सेटअप किया, उसका नाम था DK। 1940s में ये पार्टी आई थी, द्रविड कजगम, इसका मतलब होता था कमिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द्रविडियन, लाइक दैट। हु लॉन्च द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, इन्होंने ही पेरियार ने जो है एक सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट भी किया था, एंटी ब्राह्मिन मूवमेंट भी किया था, एंटी कास्ट मूवमेंट भी किया था। ये एथेइस्ट जैसे थे, कास्ट और सब रिलीजन में बिलीव नहीं करते थे। Which of the following is related to Kashmir insurgency separation? तो कश्मीर की जो इंसर्जेंसी, मतलब कि जब आप सेपरेट होना चाहते हैं इंडिया से और टेररिस्ट मूवमेंट करते हैं, मिलिटेंट मूवमेंट को इंसर्जेंसी कहते हैं, तो ये हुरियत कॉन्फ्रेंस और गुपकार ये सब जुड़े हुए हैं उससे। मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हो सकता है गुपकार पूरी तरह ना हो, इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी हैं। अब आशुतोष ने इसको बनाया है, चलिए ठीक है, मैं इस पर आपको ये कह रहा हूँ कि इसको और चाहे तो रिसर्च कर ले, लेकिन इतना आप जाने कि हुरियत कॉन्फ्रेंस में तो कई जो है वो मिलिटेंट लीडर शामिल थे। गुपकार तो वो ग्रुप बना जो कि 2019 के जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसको अपोज करने के लिए बना। उसमें दोनों तरह के सॉफ्ट जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में शामिल होने वाले भी पॉलिटिकल पार्टी भी थे और कुछ उसमें हार्डलाइनर भी थे। तो चलिए वो थे, एंड बी इन्होंने दिया है, जानना चाहिए आपको ये सब। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किस साल जो है पास किया गया, जिसमें कि जिस जो मैंने आपको बताया ना कि एक स्टेट को दो यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, JNK एंड लद्दाख, तो ये 2019 में हुआ, अगस्त 2019 में टू बी प्रिसाइज। अब यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि ये कैसे हुआ, ये थोड़ा डीपर क्वेश्चन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलो, इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे ये केवल गलत है। नाउ JNK एंड लद्दाख आर सेपरेट स्टेट, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि JNK एक UT है और लद्दाख भी एक UT है, तो दो UT है, कोई स्टेट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, इसको डियर स्टूडेंट पढ़े बिना मत जाइएगा, इसको भी पढ़ लीजिएगा एडिशनल फॉर्म से। इसमें आपको जानना ये चाहिए कि कैसे इसको किया गया। बेसिकली आर्टिकल 370 में ही एक प्रोविजन था कि जम्मू कश्मीर की यदि कंस्टिट्यूएंट असेंबली यदि चाहे तो वो एक रिजोल्यूशन पास करता है कि ये 370 अब लागू नहीं रहेगा। तो उसको भारत सरकार ने ये कहा कि चूंकि वहाँ प्रेसिडेंशियल शासन चल रहा है, प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, और वहाँ की कंस्टिट्यूएंट असेंबली तो पहले ही भंग कर दी गई थी, तो पार्लियामेंट ही वहाँ का कंस्टिट्यूएंट असेंबली है, और पार्लियामेंट ने रिजोल्यूशन पास कर दिया कि 370 को हटाया जाए, और उस बेसिस पे प्रेसिडेंट ने ऑर्डर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाल दिया। एक तरह से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पहले निकाला और फिर उसको रिजोल्यूशन से उसको पास कर दिया गया, और फिर एक एक्ट बना दिया गया, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये सारा कुछ बहुत ही जल्दी जल्दी में जो है वो अगस्त से लेकर के अक्टूबर के बीच में हो गया। इसको पढ़ लीजिएगा, वो अभी भी ये विचाराधीन है। ऑफकोर्स उस पर कई लोग उसको अपोजिशन में गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन फिर भी अभी वो व्यवस्था वही बनी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द्रविडियन मूवमेंट, फिर से हम द्रविडियन मूवमेंट पे दी लॉटरी जो नायकर ने किया था। अपोज हिंदी एंड नॉर्दर्न डोमिनेशन ऑफ समटाइम्स द्रविडियन नेशन बट इट यूज डेमोक्रेटिक मीन्स टू अचीव, मतलब वो तो था तो कि हम द्रविडियन नेशन भी चाहिए, लेकिन वो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के थ्रू और सड़क पे निकल करके आंदोलन करके था। द द्रविडियन मूवमेंट लेड द फॉर्मेशन ऑफ द्रविड कजगम, जो मैंने आपको बताया, बाद में DK जो है वो DMK और AIADMK में जो है AIADMK में कन्वर्ट, मतलब टूट गई, आज दो पार्टी है DM, तो DK से ही निकली हुई है। द द्रविडियन मूवमेंट स्पोक इन टर्म ऑफ द होल ऑफ साउथ इंडिया, ये बात सही है, लेकिन उसको सपोर्ट पूरा मिला नहीं और सब अलग अलग हो गए, तेलुगु अलग, तेलुगु देशम पार्टी और केरला की अलग पॉलिटिक्स हो गई। तो ये जो कहना है कि बट लेटर ऑन सम स्टेट फ्रॉम साउथ इंडिया ज्वाइन द मूवमेंट, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो इसलिए यही सही है, ये ऑप्शन है। बाकी तीन जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन ऑप्शन ये सही है क्योंकि इनकरेक्ट आपको पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पे जो है इसको इनकरेक्ट कर लीजिए, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। Which of the following is wrong about Dravid Munnet Kazgam, DMK, जो कि DK से निकला। DMK split from DK, सही है, and its political legacy transferred to DMK, the success of anti-agitation of 1965 added to the DMK's popularity, yes.
दिस ब्राउट डीएमके इन पावर इन 1967। देखिए, डीएमके पहली पार्टी थी इंडिया में जिसने अपने दम पे, वैसे तो 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी ने केरला में सरकार बनाया था लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट थी, वो उसे पूर्ण बहुमत नहीं था कम्युनिस्ट पार्टी को। डीएमके को 1967 के स्टेट इलेक्शन में पहली बार पूर्ण बहुमत मिला और ये पहली पार्टी बन गई नॉन कांग्रेस पार्टी जिसने कि स्टेट में अपने दम पे शासन किया। डीएमके फर्दर जो है 1972 में AIADMK, यहाँ पे शायद में ए छूट गया है, AIADMK में टूट गई, जो कि AIADMK किसने बनाया, MGR ने, MG रामचंद्रन, जो कि एक बहुत फेमस हीरो थे, बाद में जो है जे जयललिता इनकी टॉप लीडर बनी। और डीएमके जो है वो करुणानिधि चलाते रहे, वो भी फिल्म व्यवसाय से जुड़े हुए थे, शायद स्क्रिप्ट राइटर ऐसे कुछ थे। And later several factions split from both of these parties. बहुत सारे parties से बने, MDMK, MDK and बहुत सारा आप देख सकते हैं वो, लेकिन main जो है DMK, AIADMK है, जो दोनों निकले हैं DK से, याद रखेगा। और DK किसने बनाया था, पेरियार ने, EV रामास्वामी नायकर ने। और ये भी जान लीजिए थोड़ा और आपको इंटरेस्ट हो कि इसके पहले जो है वो जस्टिस पार्टी चलाते थे पेरियार, और जस्टिस पार्टी का एक परिवर्तित रूप दो है डीके था, और उससे भी पहले नायकर जो है वो कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे। अकाली दल वॉज फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, तो ये बहुत पुरानी पार्टी है, आप समझिए कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी कांग्रेस वांग्रेस के बाद जो है, तो 1920 में ही अकाली दल का फॉर्मेशन हो गया था, जो पंजाब में काफी समय तक रूल भी की। पंजाब, अब हम लोग पंजाब में चले गए, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था, देखिए पंजाब जो है लास्ट वो रीजन था जिसको कि लैंग्वेज, भाषा के आधार पे रीऑर्गेनाइज किया गया, उसको जो है पंजाब और हरियाणा में इस बेसिस पे तोड़ा गया कि हरियाणा हिंदी भाषी है और पंजाब जो है पंजाबी भाषी है, और ये 1966 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो सूबा है या स्टेट है वो अंतिम बार जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज किया गया। विच रिजोल्यूशन वॉज पास दैट एजर्टेड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी ऑफ पंजाब and spoke of the aspiration of the Sikh community and declared its goal as attaining the Bolbala dominance or hegemony of the Sikh. Basically, देखिए ये आनंदपुर साहब रिजोल्यूशन के बारे में बात हो रहा है जो 1973 में आई थी, इसमें ये बातें कही गई थी। आनंदपुर साहब प्रस्ताव जो है दो तरह का, दो बातें इसमें थी, एक तो था कि सेंट्रल स्टेट का रिलेशन कैसा हो, ऑटोनॉमी मिले, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो कि कांग्रेस का भी एक डिमांड था आजादी के पहले, और ये था उसमें कि जो है डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, मतलब स्टेट को जो है ज्यादा ज्यादा पावर मिलनी चाहिए, ये सब तो अच्छी बातें उसमें थी। लेकिन उसमें ये सभी बातें थी जो आपने देखा कि सिख का बोलबाला होना चाहिए क्योंकि ये सिख कौम का राज्य है, तो इसमें ही यदि सिख यदि बोलबाला नहीं होगा, हेजमनी नहीं होगा, उनका डोमिनेंस नहीं होगा, तो कौन क्यों हमको राज्य मिला, वो कहीं ना कहीं वो सेसेशनिस्ट मूवमेंट की तरफ जाता था। और वही हुआ भी डर कि आनंदपुर साहब रिजोल्यूशन को यूज करके भिंडरा वाले जैसे लोग जो हैं वो सेसेशनिस्ट मूवमेंट चलाने लगे, मतलब सेपरेट स्टेट की मूवमेंट खालिस्तान चलाने लगे। 30 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ पंजाब पोस्ट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, तो 1966 के बाद क्या हुआ, ये कहानी आपके एनसीईआरटी बुक से ही ली गई है। अब यहाँ पे देखिए, इसको आप हटा दीजिए, 1984 को आप 1985 कर दीजिए, ये चूंकि स्टेटमेंट गलत है, जानबूझ गलत दिया गया, तो बाकी ये भी ठीक हुआ था कि राजीव गांधी लोंगोवाल एकॉर्ड हुआ, इसको छोड़ करके बाकी सब ये सब सही है, इसको पढ़ लीजिएगा डियर स्टूडेंट, तभी जो है आप आगे बढ़िएगा। सही ऑप्शन मतलब गलत स्टेटमेंट और सही ऑप्शन ये है, ये एकॉर्ड का ईयर भी याद कर लीजिए, 1985 में हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है, जो कि जून 1984 को लॉन्च हुआ था, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, आप यहाँ देख सकते हैं, पहले इसी को देख लीजिए, जून 84 में, उसमें हुआ क्या था कि भिंडरा वाले ने जो है वो शरण ले लिया था स्वर्ण मंदिर में, जो उनका पवित्र स्थल होता है सिखों का। अब इंदिरा गांधी बहुत ही स्ट्रांग लीडर थी, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई कि बिल्कुल कोई जो है वो आर्म्स एंड एम्यूनेशन लेके स्वर्ण मंदिर में कैसे चला जाएगा, और वहां से उग्रवादी एक्टिविटी पूरे स्टेट में चलाएगा और पाकिस्तान के साथ मिल करके और अलग राज्य बनाने, मतलब अलग नेशन स्टेट बनाने की बात करेगा, तो उन्होंने सेना भेज दिया वहां पे। अब सेना जब भी जाएगी तो बम गोले बरसेंगे, बम गोले बरसे तो उसमें क्षति हुई स्वर्ण मंदिर को, और उससे सिखों की भावना बहुत आहत हुई, और वो अंतिम परिणति उसकी जो बहुत भयावह हुआ कि दो गार्ड उनके अपने जो थे वो उनकी हत्या कर बैठे इसी बात पे कि आपने मेरे स्वर्ण मंदिर पे गोली बरसाई।
और इस बेसिस पे पूरे कंट्री में जो है सिखों के अगेंस्ट जो गुस्सा भर का, उसमें हजारों सिख का कत्लेआम हुआ, वो सिख दंगों के रूप में आया 84, तो समझिए कितनी कितनी बड़ी त्रासदी जो है इस बात पे हो गई कि भिंडरा कहानी शुरू हुई आनंदपुर साहब प्रस्ताव से, फिर उसके सेसेशनिस्ट मूवमेंट से, भिंडरा वाले के मतलब पॉलिटिकल उदय से, और फिर वो कैसे जो है अपने समर्थकों के साथ स्वर्ण मंदिर में घुस जाते हैं, इंदिरा गांधी स्वर्ण मंदिर में सेना भेजती है, गोले बरसते हैं, स्वर्ण मंदिर क्षति होती है, उससे बहुत सिखों का आहत होते हैं, उनके गार्ड उनको मारते हैं, और फिर उस बेसिस पे जो है फिर सिख दंगे होते हैं और कंट्री में कत्लेआम होती है सिखों की। ये सारा कुछ जो है चेन रिएक्शन जो है आप समझ सकते हैं एक नेशन में कैसे होता है। सो ऑपरेशन ब्लू स्टार वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट, आप अब तक तो पूरी कहानी समझ गए होंगे, अगेंस्ट खालिस्तानी टेररिस्ट रिसाइडिंग इनसाइड गोल्डन टेम्पल एंड मेडिट हेडक्वार्टर, भिंडरा वाले और उनके चेले लोग। पीएम इंदिरा गांधी वॉज किल्ड बाय हर बॉडीगार्ड, जो मैंने आपको बताया वो कब हुआ था, तो आपको ये डेट तो कभी भूल नहीं सकते हैं हम, कोई भी कंट्रीवासी नहीं भूल सकते हैं वो फेटफुल डे 31 अक्टूबर 1984, जब उनको सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने गोली मार दी थी, वो उनके ही गार्ड थे। अब इससे अधिक घैस्टली, इससे अधिक जो है दुष्कर्म क्या हो सकता है कि रक्षक जब भक्षक हो जाए तो दुनिया में कोई आपको बचा नहीं सकता। इन विच ईयर एंटी सिख राइट इरप्टेड इन रिस्पॉन्स टू द मर्डर ऑफ पीएम, और उससे एंटी सिख राइट हुआ अक्टूबर 1984 में, जो कि हमारे पूरे इंडियन पॉलिटी पे, इंडियन समाज पे एक दाग है, बदनुमा दाग है। Consider the provision of Rajiv Gandhi, Longowal or Punjab Accord signed in 1985 to make peace in the state, which of the following is incorrect? अब देखिए incorrect है तो राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड होता है, लोंगोवाल हरचंद लोंगोवाल उनके बाद में उनकी भी हत्या कर दी गई, राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई, समझिए अलग अलग, और दोनों ही सेसेशनिस्ट मूवमेंट में, राजीव गांधी तमिल सेसेशनिस्ट मूवमेंट जो श्रीलंका में था उसके शिकार हो गए, और लोंगोवाल जो है पंजाबी सेसेशनिस्ट मूवमेंट के, तो दोनों ही की हत्या की गई। अब देखिए ये इसमें गलत है, ग्रांटिंग स्पेशल स्टेटस टू पंजाब, इसको आप काट दीजिए, बाकी ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो ये सब पढ़ लीजिएगा, ये उस अकॉर्ड के अंदर की बात हो जो आपके एनसीईआरटी बुक से दी गई है। अब यहाँ पे है कि नॉर्थ ईस्टर्न में हम लोग घुस रहे हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कितने रीजन को मिला के बना है, तो ये कितने स्टेट इसमें है, तो 7 स्टेट हैं, आपको नाम भी याद होना चाहिए, असम है, असम से काट के मेघालय बना, फिर उसका नीचे त्रिपुरा है जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और इधर आपको जो है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब है, तो 7 सिस्टर्स को कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो इनको 7 सिस्टर्स कहते हैं। एक चिकन नेक है सिलीगुड़ी कॉरिडोर से इंडिया से जुड़ा हुआ, एक पतला सा, उससे ही थ्रू हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, तो उसको कोई दबा दे तो मतलब बहुत परेशानी हम लोगों को होगी, तो मतलब वो रीजन थोड़ा बिखरा हुआ है, मतलब इंडिया से एकदम कटा हुआ है, इसलिए वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल होता है, फ्लाइट से ही जा पाते हैं। रीजन जो है बाउंड्री से करता है चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश से, और गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया है, तो ये सब सही है। द रीजन इज आइसोलेटेड एंड बिकेम लैंडलॉक्ड आफ्टर द पार्टीशन दैट अफेक्टेड इस वन, एक तरह से लैंडलॉक जैसा हो गया, तो ऑल ऑफ दैट पढ़ लीजिए। और वहाँ पे जो है सेसेशनिस्ट मूवमेंट काफी चले, नागालैंड में चला, मिजोरम में चला, असम में एक अलग ही टाइप का मूवमेंट चला जो कि आउटसाइडर्स के अगेंस्ट में थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच करेक्टली, तो नागालैंड जो है 1963, ये कब स्टेट बना, नागालैंड 1963 में बन जाता है, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में बनते हैं, और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जो है 1987 में बनता है, और असम जो है 1972 में नहीं बनता है, असम, मेघालय जो है वो जरूर बनता है, तो ये असम तो 1947 से ही स्टेट है, इसलिए यही गलत इसमें ऑप्शन है। डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल लिखा है, ऑटोनोमस भी कर सकते हैं इसको, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये जो है शेड्यूल 6 हमारे यहाँ बना है, शेड्यूल 6 में 4 स्टेट है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय, इन 4 स्टेट में जो ट्राइबल एरिया है वहां पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनता है, जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है, उनको काफी सारे पावर दिए जाते हैं और गवर्नर उसको सीधा एडमिनिस्टर करते हैं, जिससे कि मतलब वहां के जो ट्राइबल हैं वो अपने शासन खुद कर सके, तो ये ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए दिया गया है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शेड्यूल 6 एरियाज के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्राइब, तो बोडो, खासी, करबी सभी जो है दिसमा सब है, इसलिए नन ऑफ द अबव, मतलब ये सभी हैं ऑल इसमें से। Who formed Mizo National Front, MNF, that started the armed struggle for independence of Mizo Nation? ये लाल डेंगा थे, लाल डेंगा के साथ में राजीव गांधी ने अकॉर्ड किया, उसको मिजोरम अकॉर्ड बोलते हैं, राजीव गांधी लाल डेंगा अकॉर्ड बोलते हैं, और फिर लाल डेंगा चीफ मिनिस्टर बने और मिजोरम स्वशांत हुआ।
अब यहाँ पे नागालैंड की भी समस्या आपकी किताब में दी गई है। वहां पे जो फीजो थे, अंगमी जापू फीजो, उन्होंने एक मूवमेंट लीड किया, नागा मूवमेंट, दैट डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया इन 1951। उसको भी बहुत मुश्किल से उसको शांत किया गया। अभी भी वहां पे सेसेशन मूवमेंट थोड़ी चलती रहती है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग पाकिस्तान प्रोवाइडेड एक्साइल? नागा नेशनल काउंसिल जो है वो एक तरह का सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, उसने डिमांड किया था सेपरेट नेशन, या आपकी किताब में है, इसको जानना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट असम मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर? यहाँ पे देखिए सबसे डियर स्टूडेंट याद रखिए कि असम का मूवमेंट जो है वो एक अलग टाइप का मूवमेंट था, वो कोई सेपरेट नेशन के लिए नहीं था, वो एक इसकी बात थी कि हम अपने ही स्टेट में जो है हमारी हमारा बोलबाला नहीं है। फिर अगेन वही वाली बात है, जो पंजाबी और यहाँ बंगाली घुस आए हैं, यहाँ बांग्लादेशी घुस आए हैं, यहाँ दूसरे लोग घुस आए हैं, उससे हमें जो है आउटसाइडर के घुस आने से हमें परेशानी हुई। बेसिकली असम का मूवमेंट इसको लेकर आउटसाइडर करने से था। तो इसको जो है आप तीनों को पढ़ लीजिए, चार तीन को पढ़ लीजिए। इसमें 86 जो लिखा है कि इट कल्मिनेटेड इनटू असम एकॉर्ड 1986 में, गलत है, 1985 में ये एकॉर्ड हुआ था आसू और राजीव गांधी के बीच में, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। इसलिए ये केवल डेट गलत है, बाकी ये भी सही है, इस डेट को सही कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए तभी आगे बढ़िएगा। व्हेन द असम एकॉर्ड वाज साइंड, ये तो उसी का है कि 1985 में हुआ था। इसको पढ़ते हैं अहम गण परिषद, वहां पे ऐसे बोलते हैं, असम नहीं बोलते। अहम गण परिषद वाज फॉर्मड व्हिच केम इनटू पावर इन द स्टेट 1985 एंड प्रॉमिस्ड टू बिल्ड गोल्डन असम, वाज ए मर्जर ऑफ आसू और अहम गण संघर्ष परिषद जो है वो दोनों जुड़ जाते हैं। देख लीजिएगा, मैं थोड़ा मेमोरी से बोल रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा। मैं जब क्वेश्चन मार्क करता हूँ तो थोड़ा सा किताब में चेक कर लीजिएगा, मैं क्योंकि मैंने एक दो दिन पहले देखा है तो मेमोरी से बोल रहा हूँ। अहम गण संघर्ष परिषद और आंसू मिलकर के जो है वो अहम गण परिषद बनाते हैं, और वो जो है उनके लीडर प्रफुल्ल मोहंता होते हैं, और वो गोल्डन असम बनाने की विजन देखते हैं, दिखाते हैं, लेकिन वो हुआ नहीं। बहुत जनता निराश हुई और फिर वहां पे मेन स्ट्रीम पार्टी कांग्रेस बहुत दिन तक सत्ता में रही और फिर अब बीजेपी, तो वहां की जो रीजनल पार्टी थी उसने जनता के एस्पिरेशन पे वो खड़ा नहीं उतरे, इसीलिए बाद में फिर नेशनल पार्टी वहां राज करने लगी। चकमा रिफ्यूजी जो है वो चटगांव हिल है जो कि बांग्लादेश में, वहां पे वो रहते हैं, वहां पे माइनॉरिटी है जो कि वहां पे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। वो ज्यादातर जो हैं वो लोग बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, अलग है, मतलब बांग्लादेश में मुस्लिम ज्यादा हैं, तो उसके चलते उनको थोड़ा सताया जाता है, चकमाज और हैजोंग्स को। इतनी पीपल हैं चटगांव हिल ट्रैक में, ये क्वेश्चन अलग ही पूछा था कि कहाँ पे वो रहते हैं, तो चटगांव हिल ट्रैक जो बांग्लादेश में है, तो वो भाग भाग करके इंडिया आते हैं, तो इंडिया में वो जो है मिजोरम अरुणाचल प्रदेश में वो शरण लेते हैं। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया कहाँ पे वो रिफ्यूजी आते हैं। सिक्किम जो है इंडिया का पार्ट 1975 में बन गया, इसके लिए जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, हमें लगता है ऐसा 36वां अमेंडमेंट है, देख लीजिएगा मेमोरी से मैं बोल रहा हूँ। और पहले जो है सिक्किम प्रोटेक्ट्रेट होता था, मतलब प्रोटेक्ट्रेट मतलब कि इंडिया उसको अपने प्रोटेक्शन में रखता था कि तुम्हारे ऊपर कोई अटैक करेगा, मतलब फॉरेन पॉलिसी हम देखेंगे, जैसे भूटान भी अभी उस तरह का ही लगभग ये है, मतलब फॉरेन पॉलिसी उसमें हमारा दखल है, और लेकिन वो एक अलग नेशन स्टेट है, वो हमारा हमसे उसको कोई वास्ता नहीं है, वो एक सेपरेट जो है, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी है इंडिया की। डोकलाम में जब चाइना घुस आया था तो इंडिया ने उसी नाते जो है उसकी मदद की थी, तो उसी टाइप का जो है प्रोटेक्ट्रेट जैसा जो है बहुत दिनों तक स्टेटस सिक्किम का रहा था, और 75 में उसको इंडिया में मर्ज किया गया। Which of the following is not facing the secessionist movement? इसमें से यदि आप देखें कि हर कंट्री जो है secessionist मतलब अलगाववाद का जो मूवमेंट है वो झेल रहा है, वेल्स, स्कॉटलैंड, आपको बताया कि नॉर्दर्न आयरलैंड, मतलब वो बहुत सारा वहाँ पे समस्या सुलगती रहती है। बास्क, वेल्स और स्कॉटलैंड खुद ही जो है अलग नेशन बनना चाहते हैं, नेशन तो है ही वो अलग स्टेट भी बनना चाहते हैं। बास्क नेशन अलग स्पेन में लड़ाई करते रहते हैं मतलब अलग होने के लिए, स्पेन में तो और बहुत सारे रीजन अलग होना चाहते हैं। श्रीलंका में आपको पता है लिट्टे ने कितने साल तक मूवमेंट किया जिसमें राजीव गांधी की जान भी चली गई, वो सेपरेट नेशन चाहते थे। इंडिया में भी तो आपको पता है खालिस्तानी मूवमेंट, कश्मीरी मूवमेंट, नागालैंड मूवमेंट, मिजोरम मूवमेंट, काफी सारे मूवमेंट, इवन द्रविडियन मूवमेंट एक समय में सेसेशनिस्ट मूवमेंट जैसा था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल गोवा, दीव एंड दमन, ये जो तीन जो एरिया थे इसको पुर्तगीज जो है वो कंट्रोल करते थे,
आपको ये इंटरेस्टिंग बात पता होना चाहिए कि पूरे इंडिया पे लगभग अंग्रेजों का शासन था, लेकिन दो पॉकेट ऐसे थे, एक पॉकेट तो पुडुचेरी का था जो फ्रेंच कंट्रोल करते थे। तो वहां यदि आप पुडुचेरी घूमने जाइएगा तो आपको वहाँ फ्रेंच कॉलोनी दिखेंगे, फ्रेंच सब कुछ फ्रेंच फ्रेंच दिखेगा। यदि गोवा घूमने जाएंगे तो आपको पुर्तगीज कल्चर दिखेगा। ये दोनों को बहुत सहेज के रखने की जरूरत है, क्योंकि ये भी हमारी एक धरोहर है कि कैसे जो है पुर्तगीज रहते थे, कैसे उनके घर होते थे। ये सब चीजें अभी भी दिखने को मिल जाती है जब तक उस घर को तोड़ा ना जाए। स्कूल का डिजाइन एंड ऑल जो है, आप पुडुचेरी में देखेंगे तो आपको अलग टाइप के दिखेंगे वो फ्रेंच जैसे। 1961 में इंडिया ने आर्मी एक्ट करके जो है, इस ऑपरेशन का नाम क्या था शायद देख लीजिएगा, ऑपरेशन पोलो था या ऑपरेशन विजय था, एनीवेज कुछ ऑपरेशन नाम था जिसके थ्रू जो है इन्होंने वहां पे उसको पुर्तगीज को भगाया और अपने में मिला लिया इसको 1961 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। अब यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ, थोड़ा गोवा से जुड़ा हुआ है कि गोवा को लिबरेट जो है 1961 में किया गया पुर्तगीज से। वहां पे एक पार्टी थी महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, वो उसका मर्जर चाहती थी महाराष्ट्र स्टेट में। यूनाइटेड गोवन पार्टी जो थी वो सेपरेट गोवन कल्चर और कोंकणी लैंग्वेज, मतलब सेपरेट आइडेंटिटी, रीजनल आइडेंटिटी को बनाए रखना चाहती थी। गोवा को स्टेट को जो है 1987 में मिला। उसी साल जो है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को भी स्टेट बनाया गया, और दीव और दमन को जो है गोवा में कभी मर्ज नहीं किया गया। इनको यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 2 दिसंबर 2019 तक जो है दीव और दमन जो है वो अलग सेपरेट यूनियन टेरिटरी रहे। बाद में उसको जो है दादर एंड नगर हवेली में मिला दिया गया दिसंबर 2019, बहुत हाल में। अब वो कहलाता है नगर यूनियन टेरिटरी ऑफ नागर हवेली दमन एंड दीव। अब तीन इलाके मिलकर के एक यूनियन टेरिटरी है, 8 में से 1। तो ये गलत है, गोवा में नहीं मर्ज किया गया। Which of the following is matched incorrect? तो असम एकॉर्ड जो है वो 1985 में हुआ, पंजाब एकॉर्ड 85 में हुआ, मिजोरम पीस एकॉर्ड 1986 में हुआ, एबोलिशन ऑफ आर्टिकल ये जो है 370 का 2019 में होता है, इसीलिए गलत है। Which of the following is matched incorrect? अकाली दल सही है, 1920 में बना, डीएमके 1949 में बना, एआईडीए डीएमके 1972 में, तो ये गलत है। असम एकॉर्ड फॉर सेपरेट असमीज नेशन ऐसा नहीं था, ये जो है आउटसाइडर के अगेंस्ट था, सेपरेट असमीज नेशन के लिए नहीं था। इन विच लीडर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेटलिंग मेनी सेसेशनिस्ट सेपरेटिस्ट मूवमेंट, ये शांति के दूत जैसे जो है राजीव गांधी है, उनका असेसमेंट हमें करना चाहिए उस रूप में कि उन्होंने बहुत ईमानदारी से कोशिश की, ना केवल इंडिया में ही, उन्होंने पंजाब एकॉर्ड साइन किया, उसमें शांति आई वहां पे एक हद तक, मिजोरम एकॉर्ड साइन किया, असम एकॉर्ड साइन किया, इसके अलावा उन्होंने श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजा, पीस एकॉर्ड साइन किया। तो पूरे रीजन में उन्होंने जो है सार्क नेशन बनाने में उनका हाथ था, तो मतलब एक शांति के दूत के रूप में डेफिनेटली उन्होंने काम किया है, तो राजीव गांधी। अब ये एनसीईआरटी से मैं हमेशा लेता हूं, ये क्वेश्चन देखिए मैच करने के लिए है, ये है कि नेचर ऑफ रीजनल एस्पिरेशन कैसा है और उससे कौन स्टेट को आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि सोशियो रिलीजियस आइडेंटिटी लीडिंग टू स्टेटहुड, इसमें आप पंजाब को कर सकते हैं। आपको कंफ्यूजन है तो आगे देखेंगे, दूर हो जाएगी क्योंकि और सब से कोई मैच नहीं होगा। लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी लैंग्वेज को लेके एंड टेंशन विद सेंटर जो है वो तमिलनाडु का रहा है, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी तमिल लैंग्वेज। रीजनल इम्बैलेंस से स्टेटहुड की मांग झारखंड और छत्तीसगढ़ को की गई कि रीजनल इम्बैलेंस है हमारा, मतलब कि डेवलपमेंट के नाम पे रीजनल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और सेसेशनिस्ट डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी जो है नागालैंड और मिजोरम में हुई है। सो ओके डियर स्टूडेंट, थैंक्स। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कॉमेंट करें। इस तरह से आप मुझसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं, मैं भरसक कोशिश करूंगा आपके सवाल के जवाब देने का। यदि आप इस स्लाइड को देख रहे हैं तो थैंक यू कि आप इस स्लाइड तक पहुंच गए हैं, और यदि आप मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं तो आपको पता है क्या करना है, अपने छोटे भाइयों अपने दोस्तों के छोटे भाई बहनों को बताइए कि उनके लिए भी पॉल साइंस हेल्प है जो CUET UG के लिए इस तरह के क्वालिटी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है। और यदि आप CUET UG के स्टूडेंट हैं तो आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपके अगस्त वाले जो एग्जाम होने वाले हैं उसके पहले बाकी जो बचे हुए चैप्टर हैं उनकी वीडियो आपको मिल जाएगी। सो बाय, टिल देन।